हनुमान बेनीवाल लगातार राज्यसभा में जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। बेनीवाल अक्सर ही अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हनुमान बेनीवाल के समर्थक भी बहुत हैं, लेकिन अब बेनीवाल के लिए दीवानगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक शख्स ने बेनीवाल के दोबारा सांसद बनने पर बाबा रामदेव की मन्नत ली थी कि बेनीवाल के दोबारा सांसद बनने पर वो रामदेव जी के घुटनों के बल धोख लगाते हुए जाएंगे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हनुमान बेनीवाल एक पर ट्वीट कर बोले कि बाड़मेर जिले की बयातु विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुनियों की ताला निवासी आरएलपी परिवार के सदस्य भगत सिंह झाकड़ घुटनों के बल लोक देवता बाबा रामदेव जी के धोख लगाने रामदेवरा जा रहे हैं। भगत सिंह ने मेरे दोबारा सांसद बनने की मन्नत बाबा से मांगी थी। मेरी जानकारी में आते ही मैंने फोन करके भगत सिंह को समझाया कि घुटनों के बल रामदेवरा नहीं जाए, क्योंकि पुनियों का ताला से रामदेवरा की दूरी बहुत अधिक है और इस स्थिति में घुटने खराब होने की संभावना रहती है। मैं पूर्ण भगत सिंह से अपील करता हूं कि वो घुटनों के बल ना जाकर किसी वाहन से रामदेवरा जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता है। मेरी जानकारी में जब ये बात आई तो वो क्षण अत्यंत भावुक करने वाला था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुझे मजबूत करने के लिए भगत सिंह जैसे भाई मेरे साथ हैं, जिनका दिल से जुड़ाव आरएलपी के साथ है। कई बार मौका परस्त लोग जिन्होंने अपनी पहचान आरएलपी से बनाई और अपना स्वार्थ साधने के लिए पार्टी का दामन छोड़कर गए, तब तब इनके जैसे मजबूत साथियों की आवाज ने यहां व्यक्त कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाखों लोगों के भरोसों के साथ जनहित के लिए संघर्ष कर रही है और मजबूती से जनता के हितों के लिए लड़ेगी। परम आराध्य बाबा रामदेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।